नमस्कार। वाकई एक बहुत दुखद घटना हुई है, हम सभी के लिए सोचने वाला है। जी हाँ, बहराइच उत्तर प्रदेश में एक 20 साल की दुल्हन और 22 साल के दूल्हे की शादी के बाद सुहागरात के समय हार्ट अटैक से मौत हो गई एक ही साथ। दुखद तो बहुत है। इस वीडियो के लिंक में मैंने सोर्स दिए हुए, जहाँ से जानकारी आई है, एक वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे एमडी डॉक्टर्स उस पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। आखिर क्या हुआ, आप उसको विस्तृत से पढ़ लीजिए, कोई जानकारी मिल जाएगी। हम सिर्फ संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा सभी जानते हैं कि पिछले कोरोना के बाद से हार्ट अटैक की घटनाएँ थोड़ी सी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि जिनको इंजेक्शन लगे हैं, जिनको डोज लगे हैं, उनको प्रॉब्लम आई है। कारण यह है, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि कोरोना के बाद में चाहे आपने मेडिसिन ली होंगी या आपने जो टीके लगवाए हैं, जो भी कारण रहा हो, या आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है, लोगों का खून गाढ़ा होने लगा है, लोगों के खून में थक्के जमने लगे हैं और ये हार्ट अटैक की घटनाएँ कुछ प्रतिशत बढ़ गई हैं। जो भी हो, बड़े दुख की खबर है। आज एक डॉक्टर की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, वह डॉक्टर MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, जिसने हजारों हार्ट के ऑपरेशन किए हैं जयपुर से, उनका निधन होना बाकी बहुत दुख की खबर है। उस वीडियो में यह भी आ रहा है, आप उसको जरूर देखिए। पर हम दूसरा एक पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं। टेक्निकली स्पेसिफिकेशन जो है वो डॉक्टर्स ने बताई हैं, चाहे आयुर्वेदाचार हो, चाहे MD हो, चाहे योगाचार हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ कारण भी हैं। सबसे पहले छोटा सा इसमें देख लेते हैं कि हार्ट अटैक में होता क्या है। जैसे घर में कभी हमारे आस पड़ोस में कभी किसी के साथ हो तो आप भी देख सकते हैं, अचानक से हार्ट बीट कम या ज़्यादा होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत आना, सीने में कभी कभी भारीपन लगना, पसीना आना, घबराहट महसूस होना, असहज महसूस होना, कुछ भी। घर में किसी को भी दिक्कत हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आसपास के पड़ोस को बताएं, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर्स के नंबर लेके रखें इमरजेंसी के, जो कभी किसी के साथ किसी घटना हो सकती है, उनको उसके सतर्क होना चाहिए। हार्ट अटैक के बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो निष्कर्ष निकाला है कि टेंशन, बहुत अत्यधिक बढ़ती हुई टेंशन, लोगों में ओवर वर्कलोड, ओवर रिएक्शन, ये कारण हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद में डॉक्टरों को कहना है कि आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं, खून जो नसों में जाता है वो नसें कमज़ोर हो रही हैं, मांसपेशियों में कमी आ गई है, वह एक साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। सांसों की बीमारी का खतरा बढ़ा, लंग्स में लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मुझे खुद बहुत कम खांसी जुकाम सर्दी जुकाम हुआ करता था, कोरोना के बाद में उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। वहीं कुछ एक ऐसे दोस्त भी हैं जिनको बहुत पहले कोरोना का बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हुआ करता था, कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद में उनकी सर्दी जुकाम लगभग ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं हम बिल्कुल भी बुखार नहीं है, हमको आता है, हम बिल्कुल भी बीमार नहीं पाते हैं। पर कुछ लोगों को सांस की दिक्कत आ रही है, मुझे सांस की दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन खून थोड़ा गाढ़ा होने की दिक्कत आई है। मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को, डॉक्टर जैन MD, उनको संपर्क किया था। मेरे जब दूसरा वैक्सीनेशन कोरोना के बाद मेरा दूसरा वैक्सीनेशन हुआ, उन्होंने तुरंत मुझे टैबलेट दिया, बोला कोई नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी, ये ठीक हो जाएगा, उसके रेगुलर ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर होना, लोग मेंटली डिसऑर्डर हो रहे हैं, कारण है टेंशन, वर्कलोड, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, नौकरी में प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल बहुत हैवी हो गई है लोगों की। लोग कोरोना के बाद में कुछ समय तक तो सहज होकर रहे, उसके बाद से सबने जोता कि लाइफ का भरोसा नहीं है, जितना एंजॉय करना है अभी कर लो। लोग जम के खाना पीना खा रहे हैं, हैवी डाइट ले रहे हैं, कसरत नहीं कर रहे हैं, लाइफ को बहुत ईजी ले रहे हैं, फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर कभी ऑर्डर पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें ऑर्डर कर दी जाती हैं। डॉक्टर्स जो बोलते हैं खाने में तेल बदल बदल के लेने के लिए, हमारे यहाँ जो तेल चलता है वही तेल चलता है, तेल का रोटेशन होता नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि
सोयाबीन का तेल खुल लीजिए, हो सके तो तेल को रोटेशन करके खाएं, कभी सोयाबीन का लें, मूँगफली का तेल भी खाएं, सनफ्लावर का तेल भी खाएं, ताकि रोटेशन बना रहे, आपकी सही इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे। मेन मुद्दा जो आज है, मेन मुद्दा जो है वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेंशन, टेंशन एंड टेंशन। हर व्यक्ति टेंशन में है, स्कूल का बच्चा टेंशन में है, इतनी पढ़ाई है, इतना होमवर्क है, इतनी किताबें हैं, ऑफिस वाला कर्मचारी टेंशन में है, मैनेजर टेंशन में है, टारगेट ऊपर से आया उसको कंप्लीट करना है, वो चिल्ला चौंक करता है ऑफिस में, क्लिनिकल स्टाफ, सबऑर्डिनेट स्टाफ, ग्रुप बी स्टाफ, सब टेंशन में है, सबके पास वर्क लोड है, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए भर्ती हो नहीं रहे हैं, नए लोग आ नहीं रहे हैं, एक एक आदमी के पास तीन तीन आदमियों का काम है, काम मिस्टेक होने के समय तुरंत कागज मिलते हैं, नौकरी से निकलने की धमकी अलग है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो। वाकई आज की तारीख में नौकरी करना बहुत बहुत दुष्कर हो गया है, जितना छोटे लेवल के ऊपर वर्क है उससे ज़्यादा ऊपर वालों के पास वर्कलोड है। हर व्यक्ति के पास टेंशन ही टेंशन है, काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, घर में महिलाएं टेंशन में हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पति की सैलरी कम हो गई है, या पति को हर कभी टेंशन होती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम घर कैसे चलाएंगे, ईएमआई कैसे भरेंगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो खरीदे हैं उनकी ईएमआई कैसे जाएगी, मकान दिया है उसकी ईएमआई कैसे जाएगी, खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, वर्कलोड हर जगह वर्कलोड पड़ गया है, चाहे महिलाओं का वर्कलोड हो घर का, वो तो फिर कभी हो ही नहीं सकता कम, उस पर चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि महिलाओं का काम तो कभी कम हो ही नहीं सकता है, 24 घंटे उनके लिए काम ही काम करना है, बच्चों के पास टेंशन है, हस्बैंड के पास टेंशन है, माता पिता के पास टेंशन है, हर व्यक्ति के पास टेंशन ही टेंशन है, क्या करें क्या नहीं करें। उस टेंशन के कारण भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, अभी डॉक्टर्स ने भी बीच में रिपोर्ट्स में यह साबित हुआ था कि हार्ट अटैक का कारण, बीच में रिपोर्ट्स में यह साबित हुआ कि हार्ट अटैक का बढ़ते हुए रेट का कारण ये है कि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, वर्कलोड ही व्यक्ति के ऊपर टेंशन बढ़ा रहा है, व्यक्ति की दिनचर्या बहुत मुश्किल में आ गई है, हर व्यक्ति ऊपर से कितना ही कुछ दिखाई देता है लेकिन अंदर से टेंशन में है, तो क्या टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई, अपनी नौकरी, भविष्य, लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, टाइम से मतलब सुबह कसरत नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वॉकिंग पे नहीं जा रहे हैं, तो कैसे हम इसे पार कर पा सकते हैं, अपनी दिनचर्या को नियमित करें, सुबह कसरत करें, दौड़ने जाएं, दौड़ नहीं सकते तो ब्रिस्क वॉकिंग करें, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि फास्ट वॉक कीजिए, आप दौड़ नहीं रहे हैं लेकिन चल भी ऐसे रहें दौड़ने के बराबर, जिससे आपको पसीना निकले वो ब्रिस्क वॉकिंग होगी। अभी डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि आप 15 किलोमीटर चलाओ, साइकिल चलाओ या 20 किलोमीटर चलाओ, 20 किलोमीटर पैदल चलो, उसका कोई इस्तेमाल, कोई यूज नहीं है शरीर के लिए, शरीर को आपको एक साथ तेजी से गर्मी देना है ताकि एक बार में आपको ऑक्सीजन जल्दी से निकले, वह आपके शरीर में लगेगा, ना कि आप 20 किलोमीटर साइकिल चलाएं या 10 किलोमीटर पैदल चलाएं, फास्ट चलिए, 1 किलोमीटर आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिसको हम स्पोर्ट्स में स्प्रिंट बोलते हैं, कुछ लोग स्प्रिंट करते हैं लेकिन पहले दिन से मत कीजिए वरना आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ा सा स्पीड से एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम आराम से कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह मेडिटेशन कीजिए, शाम को चौथे समय मेडिटेशन कीजिए, नींद नहीं आती है बिल्कुल गोली मत खाइए, नींद की मत खाइए, नींद की गोली खाएंगे आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी आज नहीं तो कल कितनी ख़राब होगी। नींद के तरीके हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके बता दिए जाएंगे कि कैसे योग मुद्रा लानी है, सिंपल सी चीज़ें आप नेट पर सर्च करेंगे योग मुद्रा कैसे आनी है, आपकी एक मिनट के अंदर में योग मुद्रा के द्वारा नींद जाएगी और आपको 2 से 3 घंटे की नींद आपकी 24 घंटे के लिए सफिशेंट होगी। दूसरा एक बहुत आसान सा तरीका है जो मेरे पिताजी बताया करते थे बचपन में मुझे, पहले सीधे लेट के 8 बार जोर से सांस लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे
8 बार लेना है, फिर उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड पे हमको सोना है, 16 बार सांस लेना छोड़ना है, फिर उसके बाद में सीधे हाथ पे जाना है हमको 8, 16, 32 बार सांस लेना छोड़ना है, और 32 काउंट नहीं कर पाएंगे। उसमें भी नहीं होता तो फिर सीधे जाइए आप 32 से 64 कीजिए, 64 तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, 32 में आपको नींद आ जाती है और उसके से 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग खड़े होकर सांस ले सकते हैं, जो प्राणी ये छिपकली हो गई, ये लोग जो जमीन पर लेट के चलते हैं, इनके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, हम लोग आड़े होकर सांस नहीं ले सकते। जब हम आड़े होकर सांस लेते हैं लेट कर जोर से, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, जब थक जाते हैं तो हमारा जो सीना है वो दिमाग में संदेश भेजता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो दिमाग उसको बोलता है ठीक है आप आराम करो, दिमाग भी आराम करता है, बहुत अच्छी नींद आती है, आप करके देखिए नींद अच्छी होगी, टेंशन नहीं होगा। अगर आप कहीं पे किसी ऑफिस में अधिकारी हैं तो कोशिश कीजिए अपने साथ वालों को, सबॉर्डिनेट्स को, अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को टेंशन नहीं दें। आपके घर में टेंशन हो सकती है लेकिन उसकी टेंशन आप अपने अधीनस्थ स्टाफ को मत दीजिए, अगर आप स्टाफ दें स्टाफ को टेंशन देंगे तो पाप आपको भी लगेगा, कुछ आप भी नहीं रहेंगे, आप मिडिल कर्मचारी हैं। अगर आपका बॉस चिल्लाता है, गुस्सा करता है तो आप तो शांत रहेंगे, क्योंकि आप उससे चिल्ला के जवाब देंगे आपकी नौकरी का भी खतरा रहेगा, मिलना आपको कुछ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो खुद टेंशन में है, आप अपना काम आराम से करते रहिए, गुस्सा करता सुन लीजिए, या तो आपके जितना पैसा हो कि आप टेंशन आ रहा है आपको, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा आपकी, या माइग्रेन है तो ब्रेन हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। बच्चों को भी जितनी पढ़ाई करना है करने दीजिए, बच्चों को जबरदस्ती खेलने भेजिए, फीड एक्सरसाइज उनको करने के लिए बोलिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम को, बच्चों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। टेंशन में अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो क्या मतलब उस पढ़ाई का, इतने आपके पैसे का, बच्चों को ये खेल इतना ज़रूरी है जितनी पढ़ाई है, बच्चों को खेलने दीजिए, आप भी अपने लिए समय निकालिए। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, ज़्यादा आपके पास लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप मंदिर जाइए, सामाजिक संस्थाओं में जाइए, बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जाइए, स्काउट गाइड है वहाँ पे जाकर मदद कीजिए, समाज सेवी संस्थाएँ वहाँ जाइए, NCC NSS के कैंप चलते वहाँ जाकर मदद कीजिए, ब्लड डोनेशन आई डोनेशन जो कैंप होते वहाँ जाकर मदद कीजिए, पेड़ पौधों में पानी डालने का काम कीजिए, कुछ अपनी सार्वजनिक लाइफ समाज के लिए भी अपना समय अर्पित करें, एक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिक आपके पास हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप टेंशन में नहीं रहेंगे। कितना ही पैसा हो आपका, कितनी लग्जरियस लाइफ हो, कितने ही कंफर्ट जोन हो आपके पास में, अगर आप टेंशन में हैं तो आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। लेकिन अपने परिवार के अलावा भी आप समाज के लिए कुछ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, समाज के लोगों के साथ मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे सामाजिक सेवा हो चाहे किसी के साथ, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप टेंशन फ्री रहेंगे। सिर्फ अपने घर से और ऑफिस से निकलिए, समाज में जुड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, टेंशन फ्री रहिए, ना टेंशन लीजिए ना टेंशन दीजिए, और यही बच्चों को सिखाइए, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। लिंक में दिए गए उस न्यूज़ को और वीडियो को जरूर सुने जिसमें डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले हैं, बताए गए हैं। चैनल को हो सके तो मेरे यूट्यूब को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। हो सके तो मेरे यूट्यूब को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।